चिड़िया कबूतर और तोता एक दूसरे के दोस्त थे, लेकिन कालू कौवा किसी भी पक्षी से दोस्ती नहीं करता था क्योंकि वो खुद को बड़ा और शक्तिशाली समझता था। कौवे कौवे, मुझे चिड़िया ने भेजा है, हम सब दाना लेने जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ आ जाओ। जाकर चिड़िया को बता देना कि कालू कौवा तुम सबसे बड़ा है और शक्तिशाली भी, इसलिए मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही दाना लेने चला जाऊँगा। तोता चला जाता है। चिड़िया चिड़िया, वो कौवा बहुत बुरा है, मैंने तो पहले ही कहा था कि वो हमारे साथ दाना लेने नहीं जाएगा। नहीं जाएगा तो क्या हुआ, हम अकेले ही चले जाते हैं। फिर चिड़िया, तोता और कबूतर अपना अपना दाना लेने चले जाते हैं। कबूतर ने एक पेड़ पर मीठा फल ढूंढ लिया था, लेकिन वहाँ कौवा आ जाता है। चल चल भाग यहाँ से, ये मीठा फल मेरा है। ऐसा ना करो दोस्त, हम सब पहले यहाँ आए थे और ये मीठा फल मैंने पहले देखा था। मार मार कर तेरा सर फोड़ दूंगा, आया बड़ा मेरा दोस्त बनने। कौवा वो मीठा फल लेकर वहाँ से चला जाता है। कबूतर रोता हुआ चिड़िया के पास जाता है। वो ले गया मेरा मीठा फल, वो कौवा छीन कर ले गया। कबूतर भैया चुप कर जाओ, लो तुम ये दाना ले लो, हम सब शाम को कौवे के पास जाएंगे और कौवे से बात करेंगे। कबूतर दाना ले लेता है और फिर शाम के समय वो तीनों दोस्त कौवे के पास जाते हैं। कौवा अपने टूटे फूटे तिनकों के घोंसले में बैठा मीठा फल खा रहा था। कौवे, कोई भी पक्षी इस जंगल में अकेला नहीं रह सकता, एक ना एक दिन तुम्हें हमारी जरूरत जरूर पड़ेगी, इसलिए तुम हर किसी से लड़ाई मत किया करो। मुझे तुम्हारी कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम छोटे और कमजोर पक्षी हो और मैं बड़ा ताकतवर पक्षी हूँ, जाओ तुम यहाँ से चले जाओ। कभी कभी इतनी बड़ी बड़ी बातें ले डूबती हैं कालू कौवे। जाते हो या एक लगाऊं? ये नहीं सुधरेगा। वो सब वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते गए और फिर उस जंगल में सूखे का मौसम आ जाता है। चिड़िया कबूतर और तोता वो जंगल छोड़कर दूसरे जंगल में जाने का फैसला करते हैं। वो सब अपना अपना जरूरी सामान लेकर उस जंगल से परावास करते हैं। शाम होने से पहले पहले वो सब दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। कबूतर भैया, आप सबके लिए दाना ढूंढ लो, तब तक मैं और तोता हमारे लिए एक घर बना लेते हैं। कबूतर दाना लेने चला जाता है और तोता लकड़ियाँ इकट्ठी करने लगता है और चिड़िया उन लकड़ियों से घर बनाने लगती है। रात से पहले पहले घर बन जाता है। कबूतर भी बाजरे के बीज ढूंढकर ले आता है और फिर घर में बैठकर वो सब मजे से बाजरे के बीज खाते हैं। दोस्तों, हम सब ने मिलकर काम किया, यही वजह है कि हम खुश हैं। हम अनजान जंगल में भी एक दूसरे की ऐसे ही मदद करते रहेंगे। दो दिन बाद आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। कौवा अपने तिनकों के घोंसले में बैठा हुआ थर थर कांप रहा था। उसके पास खाने पीने को कुछ नहीं था। वो उड़ता है और दाना ढूंढने जाता है, लेकिन उसे कहीं से भी दाना नहीं मिलता। वो थक हार कर चिड़िया के घर जाता है, लेकिन चिड़िया के घर में तो कोई भी नहीं था। फिर कौवा कबूतर के घर जाता है और खिड़की से आवाज देता है। कबूतर कबूतर, कहाँ हो, कोई है घर में? कोई है? ये सारे पक्षी कहाँ चले गए हैं? कौवा नहीं जानता था कि सारे पक्षी तो दूसरे जंगल चले गए हैं। भूख से मारा हुआ कालू कौवा दोबारा अपने घोंसले में जाकर बैठ जाता है। उधर चिड़िया कबूतर और तोता एक दूसरे से बातें कर रहे थे। अब ऐसी बारिश में कौवा न जाने क्या कर रहा होगा। वो जरूर भूख से मर रहा होगा या फिर हमारे दरवाजों पर जाकर दस्तक दे रहा होगा। कौवा रात के आने से डर रहा था, इसलिए वो दोबारा उड़ता है। रास्ते में उसे एक घर नजर आता है। कौवा वहाँ से मदद मांगता है। कोई है इस घर में? कोई है तो मेरी मदद करे। अंदर से बूढ़ी फाख्ता आवाज देती है। कौवे, कोई और होता तो मैं जरूर मदद करती, तुम बुरे कौवे हो, तुम किसी के दोस्त नहीं हो, जाओ यहाँ से चले जाओ। कौवा वहाँ से चला जाता है और फिर उड़ते उड़ते दूसरे जंगल पहुँच जाता है। कौवा उसी घर के पास पहुँच जाता है जिसमें चिड़िया कबूतर और तोता रहते थे। कोई है इस घर में? मेरी मदद करो। अरे, ये तो कालू कौवे की आवाज है, शायद वो यहाँ तक आ गया है। अगर हमने उसे घर में आने दिया तो वो हम सबको यहाँ से निकाल देगा। वो सब डर जाते हैं, इसलिए कोई भी दरवाजा नहीं खोलता और चुप करके बैठ जाते हैं। बारिश के साथ ओले भी शुरू हो जाते हैं और एक
बड़ा सा ओला सीधा आकर कौवे के सर पर लगता है और कौवा वहीं गिरकर मर जाता है। अगर कौवे ने भी दूसरे पक्षियों के साथ मिलकर काम किया होता तो आज कौवा कभी ना मरता, क्योंकि मुश्किल वक्त में दोस्तों का साथ हो तो मुश्किल वक्त गुजर जाता है। माही चील की ईद आ रही थी। वो अपने बेटे के लिए लाल रंग के नए शूज लेकर आई थी और साथ और भी कई चीजें। जब माही चील ऑटो से उतरती है तो उसके बेटे के शूज नीचे गिर जाते हैं। माही चील को खबर ही नहीं होती और वो अपने घर चली जाती है। आज मैं अपने बेटे के लिए नए शूज लाई हूँ, मैं अभी दिखाती हूँ। मम्मा, मेरी मम्मा बहुत अच्छी है। अरे ये क्या हुआ, वो शूज में कहाँ भूल आई हूँ, शायद कहीं गिर गए। बहुत बुरा हुआ, वो मुझे बहुत पसंद थे, मैं बहुत खुश थी। चिड़िया उड़ती हुई जा रही थी कि चिड़िया को वो शूज एक पेड़ के नीचे पड़े हुए दिख जाते हैं। वाह, ये शूज तो बहुत सुंदर हैं, मेरे कुकू के बहुत अच्छे लगेंगे। चिड़िया वो शूज उठाकर अपने घर ले जाती है। मगर मम्मा ये मेरे नहीं है, हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि ये किस पक्षी के गिरे हैं। अगर कोई ना मिला तो फिर मैं ये शूज पहन लूंगा। कुकु बेटा आपकी बात तो ठीक है। चिड़िया कबूतर के घर जाती है। कबूतर कबूतर, मुझे रास्ते से शूज मिले हैं, छोटे बच्चे के शूज हैं, क्या वो शूज आपके गिरे हैं? नहीं चिड़िया बहन, मेरे पास तो अभी इतने पैसे ही नहीं कि मैं अपने बेटे को नए शूज लेकर दे सकूं। ठीक है, मैं तोते से पूछती हूँ। फिर चिड़िया तोते के घर जाती है। तोते तोते, अगर वो शूज आपके हैं तो निशानी बताकर आप वो शूज ले सकते हो। चिड़िया, मेरे बेटे के शूज तो उसके पास है, वो शूज जरूर किसी विदेशी पक्षी के गिर गए होंगे। रह जाती गोरी कव्वी गिरने की बात सुनकर वहाँ आ जाती है। मेरी भी गिरी है कोई चीज, चिड़िया बताओ बताओ तुम्हें क्या मिला है? गोरी बहन, मुझे रास्ते से शूज मिले हैं, किसी बच्चे के हैं। वही वही तो गिरे थे मेरे। गोरी ऐसे झूठ बोलती है। तो फिर आप मुझे कोई निशानी बताओ, बताओ कि वो शूज किस रंग के हैं? रंग रंग चिड़िया, ये मुझे नहीं पता। कालू लाया था, उसे पता होगा कि वो शूज किस रंग के थे, शायद लाल ही होंगे। गोरी का दाव लग जाता है क्योंकि वो शूज लाल रंग के ही थे। हाँ गोरी, वो शूज हैं तो लाल रंग के ही। आओ मेरे साथ और वो शूज ले जाओ। गोरी कव्वी चिड़िया के साथ जाती है और चिड़िया से वो शूज ले जाती है। मम्मा, मेरी मम्मा मेरे लिए लाल शूज लाई है। गोरी, तुमने इन नए शूज के लिए पैसे कहाँ से लिए? मैं अपनी माँ के पास गई थी, मेरी माँ ने दिए थे मुझे पैसे। मेरी माँ मेरा बहुत ख्याल रखती है। चल बे जग्गू, इस बार तेरी तो ईद हो गई। जग्गू बहुत खुश होता है और अपने दोस्तों को बताने घर से निकलता है। कुकु कुकु, मेरी मम्मा मेरे लिए नए शूज लाई है। मुझे पता है, वो शूज मेरी मम्मा को ही रास्ते से मिले थे। तो क्या हुआ, मेरी मम्मा से गिर गए होंगे कहीं। ऐसे ही दो तीन दिन गुजर जाते हैं, ईद भी आ जाती है। चील के बेटे ने पुराने टूटे हुए शूज पहन रखे थे, वो बहुत निराश थी। और उधर जगू कौवा नए शूज पहनकर अकड़ अकड़ कर उड़ रहा था। मम्मा मम्मा, मैं नानो के पास जा रहा हूँ, मैं नानो को अपने नए शूज दिखा कर आता हूँ। जाओ जाओ मेरे जगू, अगर नानो ने कोई मीठी चीज बनाई हुई तो वो भी लेते आना। आधे रास्ते में माही चील जगू के पाँव में वो शूज देख लेती है। वो जगू को रोक लेती है। छोटे कौवे, ये शूज तुमने कहाँ से लिए हैं? ये तो मेरी मम्मा मेरे लिए लाई थी। अच्छे हैं ना चील आंटी? हाँ बहुत अच्छे हैं। जाओ अपनी मम्मा को तो घर से बुला कर लाओ, मुझे उससे कोई काम है। जग्गू घर वापस जाता है। मम्मा मम्मा, आपको बड़े पेड़ पर माही चील आंटी बुला रही हैं। चील आंटी? हाँ याद आया, वो मुझसे मिलने को लेकर उदास होगी होगी, वो सहेली है ना मेरी। गोरी जल्दी जल्दी से जग्गू के साथ जाती है। बेशरम कव्वी, सच बताओ ये शूज तुमने कहाँ से लिए हैं? चील दी, ये तो चिड़िया को रास्ते से मिले थे और मैंने कहा कि ये मेरे हैं। रास्ते से मिली चीज झूठ बोलकर तुमने ले ली, शुक्र करो आज ईद है, वरना इतना मारती कि तुम्हें नानी याद आ जाती। चील जग्गू से वो शूज वापिस तो नहीं लेती, मगर अपने बेटे जग्गू के सामने गोरी कव्वी बहुत शर्मिंदा होती है।